और विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर को संथाल प्रगना प्रमंडल के सभी 18 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है और चुनाव की प्रक्रिया समय समय के साथ तेज हो गई है। नॉमिनेशन के बाद बुधवार को स्क्रूटनी की प्रक्रिया थी। स्क्रूटनी को लेकर महकमा अनुमंडल कार्यालय में दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा और तरह तरह की अफवाह और भी उड़ती रही। वही भाजपा प्रत्याशी अशोक भगत ने कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के नॉमिनेशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र में तथ्य को छुपाया है। 2020 में आदिवासी उत्पीड़न का एक मामला है जिसे उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा है कि उनके साथ पक्षपात हुआ है और इस मामले को लेकर वे अपने अधिवक्ताओं से बात करेंगे। वही इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि भाजपा कुछ भी करके चुनाव जीतना चाहती है। जिन तथ्यों के आधार पर भाजपा प्रत्याशी द्वारा नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की गई है वो आधार बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा हताशा में है और बता दें कि निर्वाचन पदाधिकारी ने दीपिका पांडे सिंह के नॉमिनेशन को वैध करार दिया है। सुबह से चर्चा बनी हुई थी, क्या हुआ कि देखिए ऐसा है, भाजपा कुछ भी करके चुनाव जीतना चाहती है। जिन तथ्यों के आधार पे मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कराने का प्रयास किया जाता है वो तथ्य बनता ही नहीं है। हमारी अनुपस्थिति में एक ऑब्जेक्शन भाजपा के प्रत्याशी ने दिया, मैं आकर के वापस उसका जवाब दी। अगर कोई भी एफिडेविट में कहीं कोई त्रुटि चूक हो गई है तो ये नॉमिनेशन कैंसिल करने का ग्राउंड नहीं होता है। इसी बात को हमने आरओ के सामने रखा और उसके अनुरूप जो भी कागजात थे सभी को देख करके आरओ ने तय किया है कि हमारा नॉमिनेशन वैलिड है। भाजपा हताशा में है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का नॉमिनेशन रैली देख करके बहुत परेशानी में थी भाजपा, और सब तरह के तंत्र लगा करके भी अशोक भगत जी अपने नॉमिनेशन में उस प्रकार से लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए जिस प्रकार से उत्साह में हमारे कई सारे आरोप भी लगाए गए आपके विपक्षी क्या कहिएगा इसका। देखिए 2020 में एक आदिवासी उत्पीड़न का मामला माननीय दीपिका पांडे जी पर हुआ था और ये मामला में इनको क्लीन चिट नहीं मिला है, लेकिन अपने ये एफिडेविट में अपने नॉमिनेशन में इस क्रिमिनल एक्टिविटी को इन्होंने छुपाया था। तो हमारी मांग थी कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो आदेश है और इसमें नॉमिनेशन को कैंसिल किया जाए और FIR दर्ज किया जाए, लेकिन यदि यही कोई साधारण कैंडिडेट रहता तो आज उसका नॉमिनेशन भी कैंसिल हो जाता और उस पर FIR भी दर्ज हो जाता, लेकिन ये एक सरकार की पार्टी के पदाधिकारी सुबह से चर्चा बनी हुई।